हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइफ स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाइफ स्टडी पे, विच इज पार्ट ऑफ वन अकेडमी। दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारे वन वर्ड और ईडियम के सेशन की तरफ, बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों ने मुझे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो नहीं किया है वो अभी के अभी फॉलो करें, क्योंकि वहां पर मेरी बहुत ही स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। रीडिंग एबिलिटी के ऊपर मैंने सेशन शुरू कर दिया है जो कि शाम को 7 बजे आता है। जिन लोगों की रीडिंग स्किल्स कमजोर है, जो क्लोज टेस्ट जंबल सेंटेंस में और पैसेजेस में प्रॉब्लम फील करते हैं, वो शाम को 7 बजे मेरी रीडिंग एबिलिटी की क्लास ले। इस क्लास के थ्रू उनको बहुत फायदा मिलने वाला है और ये क्लास पूरी तरीके से फ्री, और ये कहाँ मिलने वाली है आपको? अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे मिलने वाली है। तो मेरा नाम सर्च करें, हर्षवर्धन सिंह, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे, और मुझे फॉलो कर ले दोस्तों, ठीक है? तो गाइस मेरी जो क्लासेज आजकल SSC एग्जाम्स पे चल रही है शाम को 6 बजे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज के हमारे पहले वन वर्ड की तरफ, जो कि है एक्सटेम्पोर, जिसका मतलब होता है स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। मतलब बिना तैयारी के जब आप भाषण देते हो, स्पीच देते हो, तो उसे इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? एक्सटेम्पोर कहा जाता है। मान लो आप किसी फंक्शन में जा रहे हो और आपकी तैयारी नहीं है, अचानक से आपको स्पीच देने के लिए कहा जाए, तो आपकी कोई तैयारी नहीं है, उसके बावजूद भी आपने बहुत अच्छा भाषण दिया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे एक्सटेम्पोर के नाम से जाना जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो एक्सटेम्पोर आपकी स्पीच होती है जो कि बिना तैयारी के दी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि आप लोगों के सामने एक्स्ट्रा डाइट, ठीक है? सो एक्स्ट्रा डाइट जो होता है वो बेसिकली हम किसी अपराधी को करते हैं। मान लो जैसे कि दाऊद इब्राहिम हो गया, या फिर कोई भी अबू सलेम को एक्स्ट्रा डाइट करके हम इंडिया लेके आए थे ना। अबू सलेम एक टेररिस्ट था, तो उसको इंडिया लेके आए थे। तो इस तरीके से कोई भी अपराधी होता है जो कि इलीगल एक्टिविटी करके दूसरे देश भाग जाता है, तो उसको दूसरे देश से अपने कंट्री में लाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आपके एक्स्ट्रा डाइट बोलते हैं ना। तो एक्स्ट्रा डाइट भागे हुए विदेशी अपराधी को सौंपना, ठीक है? तो हैंड ओवर पर्सन अक्यूज और कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम टू अनदर कंट्री, जो किसी दूसरे कंट्री में भाग चला गया उसको सौंपना वापस उसी कंट्री को जिसमें उसने क्राइम किया, आपके एक्स्ट्रा डाइट करना कहलाता है ना। चलो ये भी काफी अच्छा वर्ड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है फैसिमाइल, है ना? अच्छा, ये आपके कॉपी होती है ना। जब हम किसी चीज की एग्जैक्ट कॉपी बनाए, या कोई एक पर्टिकुलर चीज किसी दूसरी चीज की एग्जैक्ट कॉपी हो, तो वो फैसिमाइल कहलाती है ना। तीसरा वर्ड है आज का, जो कि बहुत ही बेहतरीन वर्ड है ना, एन एग्जैक्ट कॉपी, फैसिमाइल। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है फैनेटिक। फैनेटिक होता है वो व्यक्ति जो कि हैज टू मच एंथुसियाज्म फॉर हिज ओन रिलीजन, जो अपने मतलब कट्टरपंथी बोल सकते हैं, जो अपने धार्मिक विचारों को लेकर के कट्टर होता है, जो अपने धार्मिक विचारों को लेकर इतना कट्टर है कि वो किसी भी लेवल तक जा सकता है, उसे हम फैनेटिक बोलते हैं ना। समझ रहे हो? ये पिक्चर से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मतलब किसी मासूम की जान लेने से भी नहीं हिचकते, क्योंकि ये फैनेटिक है ना। तो गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है फैस्टिडियस। और ये फैस्टिडियस वो व्यक्ति होता है जिसको प्लीज करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब जो छोटी छोटी डिटेल पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। पर्सन वेरी कंसर्न्ड अबाउट एक्यूरेसी एंड डिटेल, है ना। अ पर्सन हु इज हार्ड टू प्लीज, जिसको प्लीज करना बहुत मुश्किल हो, जो आसानी से प्लीज नहीं होता या मानता नहीं है, और छोटी छोटी चीजों को डिटेल्स को लेकर के बहुत उसे एक्यूरेसी चाहिए, वो फैस्टिडियस कहलाता है, तुनक मिजाजी कहलाती है सब आपके, ठीक है? तो ये आज के हमारे 5 वर्ड थे। देखते हैं फिलर के थ्रू हम इनको मैच करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, है ना। सो देखो पहला वर्ड है आज का हमारा, ही गेव एन डैश स्पीच। ही गेव एन डैश स्पीच का मतलब हो गया कि उसने कैसी स्पीच दी होगी, है ना। स्पीच अभी हमने वर्ड पढ़ा एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी के दी जाने वाली स्पीच आपके एक्सटेम्पोर कहलाती है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट है बच्चों आप लोगों के सामने, ही इज डैश अबाउट हिज रिलीजियस बिलीफ, है ना। तो अपने धार्मिक विचारों को लेकर कोई व्यक्ति कैसा हो सकता है, जो हमने वर्ड सीखे उनमें से, वो फैनेटिक हो सकता है, यानी कि वो आपके फैनेटिक होगा, यानी कि वो आपके कट्टर होगा। तीसरा जो सेंटेंस है वो है, द कोर्ट्स हैव रिफ्यूज टू डैश द सस्पेक्ट्स फ्रॉम स्पेन, है ना। कोर्ट ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि स्पेन से सस्पेक्ट को हम क्या नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा डाइट नहीं करेंगे, उन्हें ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे सब, है ना। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब उनको वापस से दूसरे देश में जिसमें उन्होंने अपराध किया वहां पे नहीं भेजेंगे। ही वाज डैश अबाउट हिज अपीयरेंस, तो अपने अपीयरेंस को लेके बहुत ज्यादा एक्यूरेसी जिसको चाहिए होती है, फैस्टिडियस यहाँ पे आने वाला है। फैस्टिडियस व्यक्ति बहुत ज्यादा ध्यान रखता हो, बहुत छोटी छोटी डिटेल पे ध्यान देता हो, फैस्टिडियस हो गया, ठीक है, अपने अपीयरेंस को लेकर, है ना। नेक्स्ट आप लोगों के सामने डॉक्यूमेंट की, तो कॉपी होगी, तो फैसिमाइल हो गया। फैसिमाइल ऑफ द डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल इन द ब्रिटिश लाइब्रेरी, है ना, कि ब्रिटिश लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट की कॉपी जो है वो आपके अवेलेबल है। तो ये आज के हमारे 5 वन वर्ड थे। बढ़ते हैं हमारे ईडियम्स की तरफ। तो ईडियम का पहला जो हमारी पहली ईडियम है वो है पीस ऑफ केक, जिसका मतलब होता है समथिंग दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड और डू, ठीक है।
किसी चीज को समझना अगर आसान हो तो वो आपके पीस ऑफ केक कहलाता है। दूसरा मतलब जो आसान है, जिसको समझना और करना बहुत आसान हो ना, जैसे कि यार यहाँ से 1 किलोमीटर चलना तो पीस ऑफ केक है, लेकिन जब 10 किलोमीटर चलते हो तो जोर आता है, तो 1 किलोमीटर चलना पीस ऑफ केक है, मतलब बहुत आसान है, आसानी से उसे किया जा सकता है ना। तो कोई चीज जो आसानी से कर ली जाए पीस ऑफ केक कहलाती है, समझ रहे हो। गोल्डन हैंडशेक बहुत प्यारा ये आपके idiom है, और इसका मतलब होता है बिग सम ऑफ मनी गिवन टू अ पर्सन व्हेन ही शी लीव्स अ कंपनी और रिटायर्स, है ना। तो जो रिटायरमेंट पे या किसी कंपनी को छोड़ने पर जो एक बहुत बड़ा अमाउंट किसी व्यक्ति को दिया जाता है वो आपके गोल्डन हैंडशेक कहलाता है, समझ रहे हो मेरी बात। हाथ मिला करके रवाना हो रहे हो लेकिन गोल्डन है वो हैंडशेक क्यों, क्योंकि आपको बहुत पैसा मिला है दोस्तों, है ना। तीसरा जो आप लोगों के सामने जो आप लोगों के सामने आज की हमारी idiom है वो है स्पिल द बीन्स, जिसका मतलब होता है टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट। किसी सीक्रेट को डिस्क्लोज करना आपके स्पिल द बीन्स कहलाता है ना, मतलब कोई आपका सीक्रेट है और वो आपने डिस्क्लोज कर दिया है, मतलब आपने उसको रिवील कर दिया है, तो स्पिल द बीन्स कहलाएगा। आगे आप लोगों के सामने ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जिसका मतलब होता है समथिंग गुड एंड यूजफुल दैट डिड नॉट इनिशियली सीम दैट वे। वो कोई अच्छा या यूजफुल चीज जो कि शुरुआत में हमें सही नहीं लग रही थी, मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि मतलब छुपा हुआ आपके कोई ब्लेसिंग हो गया ना, मतलब आपने उम्मीद, अनएक्सपेक्टेड फॉर्चून, एक शब्द में अगर मैं बोलूं तो ये अनएक्सपेक्टेड फॉर्चून होता है, ऐसा फॉर्चून जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था और अचानक से आपको मिल गया, वो आपके ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहलाता है, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। हाँ जी, तो जैसे कि मान लो आपको जिम्मेदारी दी गई है घर की साफ सफाई करने की और आपकी कोई रिंग हो गई थी, है ना, तो आपको पसंद नहीं है, है ना, सफाई करना, ठीक है, मजबूरी में आपको करनी पड़ रही है, लेकिन इस सफाई में आपकी रिंग आपको वापस में मिल गई, तो ये क्या हो गया, आपके ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, है ना, छुपा हुआ अनएक्सपेक्टेड फॉर्चून आपको मिल गया दोस्तों, है ना। नेक्स्ट आप लोगों के सामने मीन बिजनेस, जिसका मतलब होता है टू बी फोकस्ड अबाउट अचीविंग अ गोल। तो अपने गोल पे फोकस करना, केवल अपने टारगेट के ऊपर अपना एम्फेसाइज रखना, आपके मीन बिजनेस कहलाता है ना, ठीक है। सो पांचों बहुत आसान है, मीन बिजनेस, टू बी फोकस्ड ऑन योर गोल, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छुपा हुआ आपके फॉर्चून हो गया, डिस्क्लोज अ सीक्रेट, गोल्डन हैंडशेक, पीस ऑफ केक, पांचों आपके बहुत इजी है ना। मैच द कॉलम की तरफ मूव करते हैं। पीस ऑफ केक का मतलब क्या हुआ, पीस ऑफ केक का मतलब हुआ आपके पहले का हुआ समथिंग दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड, तो ये फर्स्ट का ये हो गया आपके। दूसरा है गोल्डन हैंडशेक, इसका मतलब हो गया, गोल्डन हैंडशेक का मतलब हो गया आपके बिग सम ऑफ मनी गिवन टू अ पर्सन। तीसरा स्पिल द मीन्स, मतलब डिस्क्लोज अ सीक्रेट हो गया। चौथा है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब टू बी फोकस्ड अबाउट अचीविंग अ गोल, तो किसी गोल को अचीव करने के लिए फोकस करना कहलाएगा कि आपके ब्लेसिंग नहीं, समथिंग गुड एंड यूजफुल दैट डिड नॉट इनिशियली सीम दैट वे, है ना, कोई ऐसी चीज जो कि अचानक से अनएक्सपेक्टेड आपको फॉर्चून मिल गया, जो शुरू में सही नहीं लग रही थी लेकिन बाद में आपके लिए सही साबित हुई, है ना। मेन बिजनेस, टू बी फोकस्ड अबाउट अचीविंग अ गोल, है ना। तो ये पांच आपके मैच द कॉलम है। आई होप आपको ये वर्ड्स, idiom और वन वर्ड आपको याद हो गए होंगे। गाइज, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है अनअकैडमी प्लस पे मेरे रेफरल कोड का प्रयोग करके प्लस कोर्स लेने में, तो वो ले सकता है। उसके लिए उसको रेफरल कोड लगाना होगा हर्ष11, जिससे उसको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा ना। अगर अनअकैडमी प्लस कोर्स से रिलेटेड उसको कोई भी डाउट हो तो वो कॉल कर सकता है इस नंबर पे 9983292819, इस नंबर पे कॉल कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा बहुत ही बेहतरीन बैच अनअकैडमी प्लस पे चल रहे हैं एसएससी कैटेगरी में। तो एसएससी कैटेगरी में मेरे फाउंडेशन कोर्स चल रहा है ग्रामर का, जो कि बहुत ही अब तक का मेरा सबसे बेहतरीन बैच है, मेरा फाउंडेशन बैच। इसके अलावा मेरा A to Z वोकैबुलरी का कोर्स भी जल्दी शुरू होने वाला है ना, तो आप जा सकते हैं एसएससी एग्जाम की अपनी कैटेगरी चूज करें, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें, कम से कम 12 महीने के प्लान लें, क्योंकि जो मेरे कोर्सेज हैं वो थोड़े से लंबे होते हैं और तैयारी में भी आपको समय लगता है ना। 12 महीने के प्लान लें, हर्ष11 रेफरल कोड का प्रयोग करें, अप्लाई पे क्लिक करें, है ना। अप्लाई पे क्लिक करेंगे रेफरल कोड लगा करके, तो 6000 से अमाउंट देखो खत्म हो, कम होकर के 10% का डिस्काउंट मिल गया, ये 5400 में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में आप क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट